झारखंड सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश समिति के निर्देशानुसार कांके विधायक सामरी ने अपने निवास पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर विधायक समरी लाल ने कहा कि आज प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा प्रखंड पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक झारखंड सरकार के गलत नीतियों का विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने आवास में ही हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने कहा, झारखंड के ठगबंधन की सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है। किसानों को गाड़ी कमाई धान का पैसा आज 6-7 महीना गुजर जाने के बाद भी नहीं दी है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के द्वारा एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूँकि ये कोरोना काल है, इसलिए सभी कार्यकर्ता, सभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने आवास पर ही आज जो किसान विरोधी सरकार है उसके विरोध में हम लोग आज धरना दे रहे हैं। आपको क्या जानकारी होगी कि पिछले नवंबर 2020 में सरकार के द्वारा धान क्रय की घोषणा की गई थी। उसी सरकार का एक मंत्री सरकार का फैसला को बदलते हुए धान खरीद पर रोक लगा दी थी। अब वो रोक और कोई नहीं, खाद्य आपूर्ति मंत्री, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह कहकर कि धान अभी गीला है, वजन में किसान को ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, इसलिए सरकार को पैसा का खानी क्षति होगा, यह कहकर उन्होंने धान पर रोक लगा दी। फिर सरकार न पता, सरकार का फैसला अलग होता है और इनके मंत्रियों का फैसला अलग होता है। इसी के निमित्त किसानों से नवंबर में धान खरीदा गया, जबकि उसका भुगतान 15 दिन के अंदर उनको करना था, लेकिन नवंबर से लेकर आज मई का महीना आ गया, अभी तक किसानों का जो धान का क्रय किया गया था उसका पैसा नहीं मिला है। हम अपने विधानसभा क्षेत्र में कांके लैंप्स में, बुड़मू के ठाकुर गांव लैंप्स में और भी जगह का लैंप्स में हमने धान खरीद का उद्घाटन हमसे कराया गया था और उस समय ये व्यवस्था की गई थी कि अभी 50% अभी दिया जाएगा और सप्ताह भर के बाद 50% का भुगतान किया जाएगा। लेकिन अफसोस है, ये सरकार अभी कोरोना काल में, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी ये फैला हुआ है, बेचारा दवाई कैसे लाए, उसका इलाज कैसे करे, उसको हॉस्पिटल कैसे ले जाए, उनके पास जो आर्थिक तंगी है, चूँकि धान तो वो बेच चुका, उसका मूल्य भी उसको नहीं मिला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की का ये फैसला हुआ कि सरकार का ये जो किसान विरोधी रवैया है ये ठीक नहीं है, इसलिए तमाम मंडलों में, तमाम जिला में और प्रदेश में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इसके विरोध में ये मांग करते हैं कि अविलंब किसानों का जो धान का क्रय किया हुआ है उनको उचित जो पैसा है उनको अविलंब उसका भुगतान किया जाए, ताकि वो अपना इलाज करा सके और अपने घर की आजीविका चला सके और